जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजयपथ एजुकेशन में। आज मिशन SSC 2023 की शुरुआत हो चुकी है। मैथ का डर जो है वो आप सभी का खत्म किया जाएगा। आज प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके पिछले साल में पूछे गए ओरिजिनल पेपर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, परसेंटेज के सभी आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, प्रतिशत का एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है? आपको वो संख्या यहाँ पे बतानी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस एग्जाम में ये पूछा गया है। तो SSC स्नातक का मतलब है आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम रहता है। SSC CGL का आपका ये क्वेश्चन है 2017 का, साथ में आपका SSC MTS 2013 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। जितने भी हमारे अपडेटेड क्वेश्चन है 2001 से लेके 2022 तक, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिस जिस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, पहले थोड़ा सा इजी लेवल लेंगे, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल हम यहाँ पे चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दे दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, ये क्लास स्पेशली उनके लिए यहाँ पे बनाई गई है जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इनको मैथ जो है उनसे डर लगता है। तो मैथ का डर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ पे कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको साथ में एक नोटबुक और पेन साथ में लेके रखना है। जैसे जैसे आप मेरे साथ यहाँ पे ट्राई करेंगे, आपके क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बात क्या की गई है, यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। अब मैंने एक संख्या ले ली, संख्या मैंने क्या ले ली, x ले ली। x में किसकी वृद्धि की गई, 84 की। वृद्धि का मतलब है उसमें कुछ एडिशन हुआ और वो 84 हो गई। और वह स्वयं का, यहाँ पे मैंने संख्या जो ली थी उसकी बात की जा रही है। संख्या मैंने कितनी ली थी, x ली थी। तो यहाँ पे लग गया इक्वल। जब भी एक लाइन खत्म हो जाती है, कोमा लगता है, तो हमेशा इक्वल का सिंबल आपको लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की गई, x प्लस 84 आ गया, कोमा लग गया तो इक्वल लगा दिया। वह स्वयं का, स्वयं का मतलब संख्या का, संख्या क्या है, x, स्वयं तक हो गया, उसके आगे है का। का के और की का मतलब है मल्टीप्लाई करना। आपने बोर्ड मास में देखा होगा, जो हमारा बोर्ड मास रहता है BODMAS, ये जो ओ है इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑफ और हिंदी में बोलते हैं का, और इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, गुणा करना। तो मैंने का की जगह गुणा कर दिया और 107% हो जाती है। तो 107% को हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने पे नीचे क्या आता है, 100 आता है। अब आपको यहां से क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बोर्ड मास के तरीके से ही इसको हमने सॉल्व करना है। x प्लस 84 यहाँ पे रहेगा, साथ में 107x हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, x वाली के वैल्यू को x के साथ ही प्लस माइनस किया जाता है। इस x को आपने उठा के दूसरी तरफ रख देना है। इस तरफ आपके पास बचा 84, यहाँ पे बचा आपके पास 107x और नीचे आ जाएगा आपके पास 100। ये x आपका प्लस का था, लेकिन जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, तो -x। जब भी कोई एक वैल्यू बटे में होती है तो दूसरी वैल्यू को भी बटे में ही ले जाना पड़ता है। तो 84 तो आपका हमारा एज इट इज यहाँ पे रहेगा। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से। 100 को, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो क्रिस क्रॉस मेथड करें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 आएगा, फिर इस 1 की गुणा 107 से करनी है तो 107, फिर इस 100 की गुणा इस x के साथ करनी है तो माइनस के 100x। तो आपके पास कितना बचा, 107 में से 100 चले गए तो आपके पास बचा 7x और नीचे क्या आएगा, 100। अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो पहले 100 नीचे से कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ भेजना है, तो ये चला जाएगा आपका कहाँ पे, ऊपर। और यहाँ पे आपके पास बचा है 7x,
लेकिन एक्स आपको निकालना है, तो सात ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस टाइप से आपकी एक्स की ये वैल्यू बनेगी। सात से आपको 84 काटना है तो बनेगा 12, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, जो कि आपके ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कितना इजी है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान क्या है। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में आपका ये 2017 का एग्जाम हुआ था, उसमें टायर वन में 5 अगस्त को आपका एग्जाम था, 5 अगस्त 2017 को उसमें ये पूछा गया था। उसके बाद हायर सेकेंडरी सीएचएसएल जो आपका +2 लेवल का एग्जाम है, 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एसएससी सीजीएल टायर वन 2012 का आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2013 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार 4 बार आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आपके क्वेश्चन में कम अधिक पास फेल हार जीत का कोई भी एक फीचर आपको मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है, वो हमेशा और हमेशा किस चीज को शो करते हैं, अंतर को शो करते हैं, डिफरेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 120 अधिक है, कम अधिक पास फेल हार जीत ये सभी के सभी आपके अंतर को शो करते हैं, डिफरेंस को शो करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक ट्रिक यहाँ पे रहने वाली है, जहां पे आपकी ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां उससे भी हम उस चीज को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आपको बोला गया है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक संख्या आपने क्या ले ली, संख्या आप ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, संख्या x ले ली। एक संख्या का 32% मैंने यहाँ पे लिख दिया, x का मतलब गुणा और 32% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। उसी संख्या के 120 से अधिक है, अभी एक बात तो यहाँ पे खत्म होगी, उसी संख्या के, उसी संख्या मतलब कि x ले लिया, उसी संख्या का कितना प्रतिशत, 17%, तो संख्या आ गई x, फिर मैंने का के लिए कर दी यहाँ पे गुणा और फिर मैंने लिख दिया 17% से 120 अधिक है, 120 अधिक है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 120 लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास ये बचेगा कितना, 32x/100 इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास बनेगा 17, सॉरी यहाँ पे 17x/100 और प्लस के 120, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको 32x/100 एक तरफ है, माइनस 17x/100, इस 17x/100 को मैं उठा के दूसरी तरफ रख दूंगा, तो ये प्लस की वैल्यू माइनस में चली जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 120। अब एलसीएम लेंगे, 100 नीचे आएगा, तो जब भी वैल्यू आपकी एलसीएम की सेम है तो वैल्यू आप चुपचाप ऊपर से ही उतार देंगे, आपको कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो आप 100 100 डायरेक्ट, ये 100 आपने उतार दिया और ऊपर 32 - 17 एज इट इज उतार दिया, 32 में से 17 जब आपके जाएंगे तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 15x और बराबर है 120। ये 100 नीचे से जाएगा ऊपर तो ये आपका चला गया, और ये 15 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जब आप 15 से 120 को आप जब काटेंगे तो 15 8 120, 8 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 800, जो कि ऑप्शन डी में आपके पास यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक आपके पास क्या रहेगी, यहाँ पे आपको बोला गया कि जब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हार जीत कम अधिक पास फेल हार जीत जो है वो हमेशा अंतर को शो करते हैं, इसका मतलब है जो 32% और 17% का अंतर है वो कितना है, 120 है। तो 32% और 17 का अंतर कितना है, 32 में से 17 चले गए तो बचा कितना, 15%, तो 15% किसके बराबर है, 120 के बराबर, तो आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 120 बटा
15, और प्रतिशत जब आप हटाएंगे तो आपका आएगा गुणा 100, 15 से ये 8 बार, 8 को 100 से करेंगे तो कितना, फिर से 800। तो ये जो है वो आपकी क्या बन गई, यहाँ पे ट्रिक जो है वो बन गई, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको भी आप सॉल्व करें साथ साथ में, नोटबुक आपको साथ में रखनी है। एसएससी सीजीएल 2016 का आपका क्वेश्चन है, टायर वन का आपका क्वेश्चन रहेगा और शिफ्ट सेकंड का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। पूरी की पूरी डेट आपको यहाँ पे दी गई है, 9 सितंबर 2016, टायर वन और शिफ्ट सेकंड में आपका पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। आप देख सकते हैं किस टाइप का इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपको इसको ओपन करना है सबसे पहले वैल्यू को, तो पहले गुणा करते हैं, 6 को 4 से किया 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, 25/4। आगे है आपके पास परसेंटेज, तो हटाएंगे तो परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो नीचे आता है 100। फिर है के का मतलब है गुणा और आगे है 1600, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास दिया गया है प्लस, तो प्लस का सिंबल लगा दिया। फिर है 12 को 2 से करेंगे 24, 24 और 1 कितने, 25/2। प्रतिशत को हटाया तो आपके पास बनेगा 1/100 और के का मतलब है गुणा और आगे है आपके पास 800, ये किसके बराबर है। ये वैल्यू आपकी अलग चलेगी, ये वैल्यू आपकी अलग चलेगी। अब इसकी आपको कटिंग करनी है, किस टाइप से आप इसको काटेंगे, तो सबसे पहले 25 से 100 कटेगा आपका 4 बार, और 4 × 4 कितने होते हैं आपके 16, 16 से 16 कट गया तो ऊपर यहाँ पे बचा कितना 100, एक तरफ तो बच गया 100। इसको भी आप काटेंगे 2 0 से, 2 0 आपने काट दी, और 2 से 8 कटेगा तो 4, और 25 × 4 कितना होता है 100, 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बिल्कुल इजी वे में और ज्यादा स्पीड ना लेते हुए मैं आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपके पास, ये आपका एसएससी सीजीएल का 10 अगस्त 2017 का आपका क्वेश्चन रहेगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, साथ में आपके एसएससी एमटीएस फेज 4 जो एसएससी का रहता है क्लरिकल का, वो ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपका कवर करता है। साथ में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी या अदर एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको बोला गया है आपको इस वैल्यू को ओपन करना है, कैसे आप इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। बी का मतलब है गुणा, ए और प्रतिशत का मतलब हो गया नीचे 100, प्लस कर दिया, ए का मतलब गुणा, बी और प्रतिशत का मतलब हो गया 100। गुणा करेंगे तो आपके पास बी को ए से गुणा किया तो आपके पास बनेगा AB/100, फिर प्लस यहाँ पे भी आपके पास बनेगा AB/100। अब मैंने अभी आपको बताया जब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो एलसीएम की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपने वैल्यू उतारनी है AB+AB, AB और AB आपके कितने हो जाएंगे 2AB, और नीचे आपके पास आ जाएगा 100। ये आपके पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू बनी है इस टाइम पे। लेकिन जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं बना है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे खुद इस टाइप का बनाना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, तो जो आपका बी सी और डी वाला ऑप्शन है, जब आप 2 × 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आएगा, लेकिन लास्ट में आपके पास सिर्फ एक ही 2 है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। और इस आंसर से हम ऑप्शन ए को कैसे बनाएंगे, तो वो आपको देखना है। इसमें से जो आपका बी है उसको आपने अलग करना है और इनटू करके आप लिखेंगे 2A और अपोन में 100। अगर 100 नहीं लिखना है तो उस चीज को हम क्या लिख देंगे, परसेंट। और जब परसेंट को हटाएंगे तो फिर से आपका क्या बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा। तो सेम आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा, बी का 2A%। अगला प्रश्न है आपके सामने एसएससी एमटीएस का 2017 का आपके पास क्वेश्चन रहेगा। यदि किसी संख्या का 23% 690 है
आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो उस संख्या का 72% कितना होगा? 72% आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यदि कोई एक संख्या है, उस संख्या का 23%, आपने संख्या ले ली x, उस संख्या का मतलब गुणा 23%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, कितना है? 690 है, 690 आ गया। तो यहाँ पे उसी संख्या का 72% निकालना। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x एज इट इज है, ये 100 नीचे से जाएगा ऊपर और 23 ऊपर से जाएगा नीचे, तो आपके पास बनेगा 690 बटा 23 और गुणा में 100। 23 से 69 आपका कटता है 3 बार, ये आपका 0 आ गया। तो x की वैल्यू, वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 3000 यहाँ पे निकल के आई। अब वो संख्या तो आ गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उस संख्या का 72% कितना होगा, वो संख्या कितनी है? 3000। तो 3000 का कितना पूछा गया है आपसे? 72% यहाँ पे पूछा गया है। तो आप इसको क्या करेंगे? कटिंग करेंगे, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। अब आपके पास बचा कितना? 72 मल्टीप्लाई 30, इसको आपने सॉल्व करना है। 0 आपकी एज इट इज रहेगी, 3 को 2 से करेंगे आपके पास आएगा 6, और 7 21, 21 60 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल रहेगा। तो 21 60 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 125 के 30% और 300 के 45% का मान कितना है? CHSL 2018, MTS 2017 का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, टायर वन शिफ्ट वन का आपका प्रश्न है। सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से, जल्दी से आपके आंसर जो है वो आपके आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको इसकी लाइव क्लासेस अगर आपको इसकी चाहिए, तो डेली आपको जो है वो इस टाइप के मैथ की चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो आपको लाइव क्लासेस जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा। लेकिन आपके सुजेशन जो है वो हम सभी के लिए जरूरी रहते हैं, क्योंकि जिस चीज की बेसिकली आपको नीड रहती है, अगर वो आप नहीं बता पाएंगे, तो फिर हम आपकी यहाँ पे जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको बैक टू बैक हम नहीं ट्राई कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको इसकी कटिंग करनी है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। यहाँ पे आप 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 125 को आपने 3 से गुणा किया तो वो आपका बनेगा 375। नीचे 10 है तो 10 का यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। प्लस 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 तिया 135। अब इसको आपको ऐड करना है, तो 135 और 37.5। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको प्लस भी यहाँ पे साथ साथ में बता रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये सारे के सारे जो मेथड है वो आपको समझ में आ रहे हैं। तो आंसर आपका बनेगा 172.5, जो कि आपका ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 90 का 83 से ही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 90 का 83 से ही 1/3% है, इसको आप ओपन करें। 90 का मतलब है गुणा, 83 को 3 से आपने गुणा करना है, कितना आपके पास आता है जल्दी से आप करें? 3 गुणा 3 9, 8 तिया 27, 279, एक ऊपर जाएगा तो 280 आपके पास यहाँ पे बनेगा। त्रियासी को जब आपने यहाँ पे गुणा किया, ओ सॉरी, यहाँ पे 8 तिया 24 आएगा, 249 और 1 250 बनेगा, 250/3। अभी मैं आपको इसके फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि इसी से आपकी स्पीड बने। कितने रुपए के 60% के बराबर होगा? तो यहाँ पे जो रुपए है वो उसको हमने एक्स ले लिया, रुपए के का मतलब गुणा और 60% का मतलब 60/100। अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 90 गुणा 250/3 गुणा 1/100, ये आपने एज इट इज रहने दिया। ये 60 आपका ऊपर है तो ऊपर से ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। और ये आपका 100 नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर।
और इस तरफ आपके पास बच गया x। अब आप इसकी कटिंग करेंगे और वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले 100 से 100 चला जाएगा आपका, फिर एक जीरो से आपकी एक जीरो चली जाएगी, 3 से ये चला जाएगा आपके पास 3 बार, 3 से 6 आपका चला जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से 250 कट के कितना आएगा, 125। 250 का आधा कितना, 125। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। SSC CHSL 2015 का आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है वो हमारा अप होता जाएगा। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% जो हैं वो क्या हैं, पुरुष हैं। यदि उसमें 196 बच्चे हैं तो आपको बताना है कुल कितने पुरुष हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रतिशत हमेशा कहाँ से काउंट किया जाता है, 100 से काउंट किया जाता है। अब इसमें जो है वो कुछ हमारे मेल हैं, कुछ फीमेल हैं और कुछ बच्चे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल की। फीमेल कितनी है यहाँ पे, 32%। आपको ध्यान में रखना है प्रतिशत में बात की जा रही है। और पुरुष कितने हैं, पुरुष हो गए हमारे मेल हो गए 54%। अब यहां पे अब टोटल 100% आपको करना है। तो 54 और 32 कितने हो गए हमारे, 4 और 2 6, 5 6 7 8, 86% तो हमारे हो गए ये अभी तक। अब बचे कितने, 100 में से कितने बचे, तो 14% हमारे बच गए। तो 14% जो है वो क्या होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो हमारे क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। लेकिन क्वेश्चन में चिल्ड्रन जो है वो परसेंटेज में नहीं दिया गया है, वो दिए गए हैं उनकी वैल्यू कि बच्चे कितने हैं, 196 हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने जब परसेंटेज से निकाला तो मैंने बच्चे कितने बताए, 14% बताए। मेरे अकॉर्डिंग बच्चे हैं 14% और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे हैं 196। तो दोनों को इक्वल में रखेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 196/14। और वैल्यू पूछी किसकी है, उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं और पुरुष कितने हैं, 54%। इसका मतलब 54% की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से। अब आपको इसकी कटिंग करनी है, जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो 576 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन ए आपका दिया गया है। CGL 2016 का सबसे इजी क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 240 का 25%। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम यहां पे करेंगे, इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें, ये डिवाइड का सिंबल यहाँ पे दिया गया है आपके पास। ये आपने लिखा 240 गुणा आ गया आपके पास 25, और नीचे आ जाएगा आपके पास 100, फिर आपके पास आ गया 1200, 1200 का 6%, ये ऐसा आ गया, और नीचे आपके पास क्या चलेगा, 400 का 4%। जो जल्दी से इसको ओपन करेंगे तो 4% को हटा के नीचे हमेशा 100 आता है। 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 4 से 24, 6 चौके 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60। 60 फिर 20 से 20 कट गई, 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 को 6 से गुणा करके आएगा 72। और यहाँ पे 20 से 20, 4 गुणा 4 किया तो आ गया 16। 60 और 72 आपके पास होते हैं 132, और नीचे आएगा 16। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे, पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा, तो 8.25 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपके पास दिया गया है। MTS 2017 का आपका ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। सो आई होप आप सभी को क्लास जो है वो काफी अच्छी लग रही है। कमेंट में आप जरूर बताएं, अगर आपको डेली बेसिस पे इसी टाइप की मैथ और रीजनिंग की अगर आपको क्लासेस चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर या फिर मिक्स, जैसे भी आपको क्लास चाहिए, कमेंट आप जरूर करें ताकि मैं उस टाइप का मटेरियल जो है वो आपके पास यहाँ पे लेकर आ सकूं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इजी क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। 4800 लिखा, का कर दिया 40%, 40/100, और का कर दिया 25%, तो आ गया 25/100। कटिंग करेंगे जल्दी से जल्दी, ये कटेगा 4 बार, 20 से 20 कट गई,
चार से ये कटेगा आपका 10 बार, 48 को 10 से गुणा करेंगे, 480 आपका आंसर है, ऑप्शन सी सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा। अगला प्रश्न है, किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? तो फिर से कोमे वाला प्रश्न आया है ये, तो इसका मतलब ये लाइन अलग है। किस संख्या का, संख्या ले ली मैंने x, यहाँ पे लिख लिया मैंने x, संख्या आ गई x, x का मतलब है गुणा 16%, प्रतिशत को हटाया नीचे आएगा, सो कोमे का मतलब है इक्वल टू 480 के का की का मतलब गुणा, और यहाँ पे आ गया 20%। अब आपको करना क्या है, x निकालना है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए भी एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि आपको कौन सी वैल्यू कैसे ऊपर या नीचे करनी होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको यहाँ से x निकालना है, इसको यहीं पे रहने दें, ये 16 आपका ऊपर है, तो इसको यहाँ से कट करके कहाँ लिख दें, नीचे लिख दें। ये आपका 100 नीचे है, तो इसको यहाँ से कट करें और कहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें। देख सकते हैं आप, सेम टू सेम वैल्यू बन रही है हमारी, 100 से 100 कटा, उसके बाद 16 से कटेगा 48 3 बार, 30, और 30 को 20 से गुणा करके आंसर आएगा 600, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे हम क्लोज करेंगे। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं, और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करें कि किस टाइप की आपको क्लासेस यहाँ पे चाहिए, एसएससी कि डिफरेंट एग्जाम के लिए। बेसिकली हमने मैथ का डर खत्म करने के लिए आज पहली क्लास यहाँ पे आपके सामने में यहाँ पे लेके आया हूँ। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे जल्दी ही एक और नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।